हे गाइस, माय सेल्फ राजन। और गाइस, आज इस लेक्चर में हम लोग एसे देखने वाले हैं, और एसे का जो टॉपिक है वो है वर्क इज वर्शिप, मीन्स काम ही पूजा है। तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो, यहां पे कुछ आउटलाइंस गिवन है, तो बेसिकली इन्हीं आउटलाइंस की मदद से हम एसे को प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें, तो इंट्रोडक्शन में हो जाएगा वर्क इज वर्शिप इज ए वेल नोन प्रोवर्ब, काम ही पूजा है एक काफ़ी फेमस कहावत है, और जनरली हमारे बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहा करते हैं, विच कंपेयर्स, जो कंपेयर करता है द वर्क विद वर्शिप, काम को पूजा के साथ। वर्क मीन्स ड्यूटी, काम का मतलब होता है ड्यूटी, और वर्शिप पूजा इज एन एम्बलम, पूजा जो है वो एक प्रतीक है ऑफ सिंसेरिटी का, डिवोशन, डिवोशन मीन्स भक्ति का, ऑनेस्टी का, डेडिकेशन, डेडिकेशन मिस होता है समर्पण का, और कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मिस होता है ध्यान केंद्रित करने का। वर्किंग मेक्स अस प्रोडक्टिव ह्यूमंस एंड हेल्प्स अस टू टेक केयर ऑफ अदर्स, जो वर्किंग है, काम है, वो हमें प्रोडक्टिव ह्यूमंस बनाता है और हमें मदद करता है किसके लिए, दूसरों की देखभाल के लिए। हाँ, दूसरों की देखभाल करने के लिए हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवर्क। हार्डवर्क का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में? तो वर्क इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, वर्क जो है वो हमारे लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। लाइफ इज नो लाइफ, लाइफ लाइफ नहीं होता है विदाउट वर्क, काम के बिना, मीन्स यदि कोई व्यक्ति काम नहीं करता है तो उसका लाइफ लाइफ नहीं होता है। अवर फोर फादर, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, एंड नेशनल हीरोज हैव ऑलवेज अंडरलाइन, हमेशा ध्यान रखा करते थे द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवर्क, हार्डवर्क के इम्पोर्टेंस को इन देयर लाइफ, अपने लाइफ में। इट हेल्प्स ए मैन बींग पंक्चुअल, कॉन्फिडेंट, लॉयल एंड ओबेडियंट, यह किसी भी आदमी को पंक्चुअल होने में, कॉन्फिडेंट होने में, और लॉयल एंड ओबेडियंट होने में मदद करता है। इट रिमूव्स अवर डलनेस, यह हमारी कमियों को दूर करता है, एंड मेक अस स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, और हमें क्या बनाता है, स्मार्ट बनाता है और इंटेलिजेंट बनाता है। नेक्स्ट, वर्क ए स्टेयरकेस टुवर्ड्स सक्सेस, हार्डवर्क इज अ स्टेयरकेस टुवर्ड्स सक्सेस, मीन्स हार्डवर्क जो है वो एक सीढ़ी के समान है सक्सेस के लिए, मीन्स यदि कोई व्यक्ति हार्डवर्क करता है तो वह डे बाय डे अपने सक्सेस की ओर बढ़ता चला जाता है। इट ट्रेन्स एंड एजुकेट्स ए पर्सन्स माइंड, यह किसी आदमी के माइंड को ट्रेन करता है और एजुकेट करता है, एंड ब्रिंग्स परफेक्शन इन हिज लाइफ, और उसके लाइफ में परफेक्शन लाता है। इट इम्प्रूव्स ए पर्सन्स पर्सनैलिटी, और यह एक पर्सन के पर्सनैलिटी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट बेनिफिट्स ऑफ हार्डवर्क, हार्डवर्क के क्या बेनिफिट्स हैं? तो ए हार्डवर्किंग मैन कैन कंट्रोल एंड हैंडल एवरी सिचुएशन इन हिज लाइफ, तो एक हार्डवर्किंग आदमी जो होता है वो अपने लाइफ के प्रत्येक सिचुएशन को हैंडल और कंट्रोल कर सकता है। विदाउट हार्डवर्क द लाइफ ऑफ ए पर्सन विल बिकम डल एंड इनएक्टिव, हाँ, तो बिना हार्डवर्क का किसी भी व्यक्ति का जो लाइफ है वो क्या हो जाता है, डल हो जाता है और इनएक्टिव हो जाता है। लैक ऑफ हार्डवर्क क्रिएट्स फेल्योर, मीन्स लैक ऑफ हार्डवर्क, हार्डवर्क की कमी से क्या क्रिएट होता है, फेल्योर क्रिएट होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इन वंस लाइफ। फाइनली वी कैन से, फाइनली हम कह सकते हैं, हार्डवर्क इज ए की टू सक्सेस, हार्डवर्क जो है वो सक्सेस के लिए की के समान है। नेक्स्ट, फाइनली कंक्लूजन की बात करते हैं, तो ए स्टूडेंट कैन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम हार्डवर्क इन हिज लाइफ, लाइक पंक्चुअलिटी, मास्टरी ऑफ थॉट्स,
गुड मैनर्स। तो एक स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है अपने लाइफ में हार्डवर्क के द्वारा, जैसा कि हो गया पंक्चुअलिटी, हो गया मास्टरी ऑफ थॉट्स, हो गया गुड मैनर्स हो गए। इट मेक्स अस ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स लाइफ, यह हमें हमारे लाइफ के प्रति ऑप्टिमिस्टिक बनाता है, आशावादी बनाता है। हेंस वर्क शुड हैव द सेम इम्पोर्टेंस इन अवर लाइफ एज वर्शिप, इसीलिए हमारे लाइफ में वर्क का सेम इम्पोर्टेंस होना चाहिए जितना कि वर्शिप का होता है। तो गाइज, इस प्रकार से हम लोगों ने वर्क इज वर्शिप पर एसे को कंप्लीट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय।